नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सकावेशन सेफ्टी। एक्सकावेशन सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन से हजार्ड्स होते हैं, कौन कौन से प्रिकॉशन लिए जाते हैं और एक्सकावेशन सेफ्टी किसको बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों का क्या कहना है कि एक्सकावेशन अगर किसी जमीन में कोई भी कट मारते हैं तो एक्सकावेशन है, उसको एक्सकावेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका एक्सकावेशन का मतलब होता है खुदाई करना, जमीन में मिट्टी की खुदाई करना एक्सकावेशन होता है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का क्या कहना है कि हम जमीन में कोई भी कट मारते हैं तो वो एक्सकावेशन के दायरे में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं है वो भी बता देता हूं मैं। सपोज करो कोई भी माली कोई पौधा लगा रहा है और वो पौधा 1 से 1.5 फीट में लगा देगा, भाई जमीन में तो कट मारा ना उसने, खुदाई तो कर ही रहा है ना, तो क्या वो एक्सकावेशन सेफ्टी में आएगी? मान लिया 1.5 फुट का छोड़ो, वो 3 फीट कर रहा है, तो क्या वो एक्सकावेशन सेफ्टी में आएगी? वो जानना जरूरी, कोई तो स्टैंडर्ड बनाया होगा ना। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि 1.2 मीटर से नीचे की तरफ अगर एक्सकावेशन किया जाता है, खुदाई की जाती है, तो वो एक्सकावेशन सेफ्टी के दायरे में आ जाता है और वहां पे एक्सकावेशन सेफ्टी परमिट लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, एक बार दोबारा दोहरा देता हूं। कोई भी वर्क, कोई भी खुदाई का वर्क जो कि 1.2 मीटर और उससे ज्यादा गहराई में किया जाता है तो वो एक्सकावेशन सेफ्टी के दायरे में आता है। ठीक है, एक वो बता दो, मान लिया यहाँ पे है। ठीक है, और हम यहाँ ग्राउंड लेवल से 1.2 मीटर कंसीडर करेंगे तो वो एक्सकावेशन सेफ्टी के दायरे में आ जाता है, वहां पे सेफ्टी परमिट लेना अनिवार्य है। अगर हम ये देखो, कोई जमीन में कट मार रहा है पेड़ लगाने के लिए और हम उसको जाके बोलेंगे भाई परमिट दे, भैया परमिट दो, आप एक्सकावेशन कर रहे हो, तो क्या परमिट मांगा जाएगा? नहीं ना। कोई होगा ना आड़ियल सा, तो वो फावड़ा उठा के बोलेगा दूं तेरे का एक्सकावेशन, उसका कोई स्टैंडर्ड तो भी तो होता होगा भाई। तो स्टैंडर्ड 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर और इससे नीचे अगर जाता है तो वो एक्सकावेशन सेफ्टी के दायरे में आता है। अब 1.2 मीटर ही क्यों रखा गया है? क्योंकि कोई भी लाइन, चाहे वो वाटर की लाइन है चाहे डीजल गैस पाइपलाइन है, तो वो 1.5 मीटर से नीचे ही डाली जाती है, उसके बाद मिट्टी डालते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो 1.2 इन्होंने पहले ही प्रिकॉशन लिया है। यहां पे 1.235 आएगा तब जाके 1.5 मीटर होगा, 1.2 है ये। ठीक है, तब बात करते हैं एक्सकावेशन कैसे किया जाता है। एक्सकावेशन दो तरह से होता है, एक तो होता है मैनुअली और दूसरा होता है मैकेनिकली। मैनुअली कोई आदमी फावड़े के साथ में जमीन की खुदाई कर रहा है तो वो मैनुअली हो गया, और किसी जेसीबी या किसी क्रेन के माध्यम से या किसी और मशीनरी के माध्यम से या कोई बोर के माध्यम से अगर खुदाई कर रहा है तो वो एक्सकावेशन सेफ्टी में आता है, उसको मैकेनिकली एक्सकावेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें हजार्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपको अंडरग्राउंड यूटिलिटी का खतरा रहेगा। अंडरग्राउंड यूटिलिटी, देखो यूटिलिटी में क्या क्या आता है, अगर आप किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो एक्सकावेशन का, तो वहां पे क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली लाइन गई होगी, पानी सप्लाई करने के लिए पानी की लाइन गई होगी, अगर उसके अंदर गैस और डीजल का प्रयोग अलग अलग यूनिट में हो रहा है तो वहां पे डीजल और पेट्रोल या गैस का लाइन गया होगा, और उस दौरान में अगर हम खुदाई करते हैं तो अगर इलेक्ट्रिकल लाइन में कट लग जाता है तो आदमी करंट लग सकता है, पूरी
गाड़ी में करंट आ सकता है, आदमी की डेथ भी हो सकती है। अगर कोई गैस लाइन है तो अगर गैस की लाइन फट गई तो गैस वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कट ऑफ कर देगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, वहां पे भी आदमी डेथ कर सकता है। दूसरा, अगर वो ज्यादा टॉक्सिसिटी होगी तो आसपास की एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगी। अगर वो फ्लेमेबल है तो हो सकता है वहां पे एक्सप्लोजन भी हो जाए, आग भी लग जाए, क्योंकि वो गैस लाइन है, ज्यादातर फ्लेमेबल गैसों का ही पाइपलाइन डाला जाता है। और उसके बाद डीजल की सप्लाई होती है, तो डीजल की लाइन भी फ्लेमेबल है डीजल, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरा, अगर किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या किसी रोड पे हम वो कर रहे हैं आउट ऑफ कंपनी, तो वहां पे क्या रहेगा, सीवर की लाइन भी गई होगी, टेलीफोन की भी गई होगी, और पानी की सप्लाई भी जाती है वहां पे, गैस की सप्लाई भी जाती है। इलेक्ट्रिकल तो ज्यादातर ओवरहेड ही रहती है, लेकिन फिर भी वहां के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, टेलीफोन एक्सचेंज वगैरह से आपको एनओसी लेनी होगी। जिस एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब आपने एग्जामिनेशन करने से पहले इन सभी डिपार्टमेंटों से क्लियरेंस ले लिया, इसको एग्जामिनेशन क्लियरेंस भी बोल सकते हैं और एनओसी भी बोल सकते हैं। आप एक ड्रॉइंग लेके जाएंगे सामने वाले के पास जिससे आपको एनओसी लेनी है, चाहे इलेक्ट्रिकल गैस लाइन है कोई भी ऐसा, या चाहे वो सीवर की लाइन है, उससे रिलेटेड जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेगा उससे एक एनओसी लेनी पड़ेगी, और या क्लियरेंस बोल सकते हो आप। उसमें क्या रहेगा, आपको अपनी ड्रॉइंग लेके जानी पड़ेगी साथ में, और उसको बताना होगा कि हमारी लाइन यहां से गई है और हमारा ये प्लान है, हम यहां से खुदाई करेंगे। तो वो वहां पर जाकर के चेक करेगा। और एक एडिशनल सेफ्टी बता देता हूँ, जब वो आपके साथ में जाता है ना चेक करने के लिए, तो एक फोटो क्लिक कर लो। फोटो क्लिक करने से भाई मैंने ऑन साइट चेक कराया था, अगर इन केस कोई लाइन निकल भी जाती है और वो फट भी जाती है तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, आपके माथे से उठ जाएगी बात, ठीक है। और वो जो क्लियरेंस परमिट जो हम लेते हैं कंपनियों में, तो क्या रहता है, सेफ्टी डिपार्टमेंट का अलग रहेगा, वहां पे फायर की लाइन भी जा सकती है, फायर डिपार्टमेंट अलग रहेगा, इलेक्ट्रिकल अलग डालेगा, डोमेस्टिक अलग, सीवर की लाइन अलग, सबसे क्लियरेंस लेके उसमें कॉलम दिए गए होते हैं और उस पर लिखवा देते हैं, उसमें अपना अपोनियन भी उसका लिखवाते हैं कि भाई इसमें लिख दो कि हमारी कोई लाइन नहीं है यहाँ पे, आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना, ये ही सबसे तगड़ी सेफ्टी है। उसके बाद जाने गए कि उस वहां पे हजार्स, मैंने यूटिलिटी का बताया, उसके बाद आता है कोलैप्सिंग ऑफ एग्जामिनेशन। जो हम ये खुदाई कर रहे होते हैं ना, मान ये हम, ये हमारी ग्राउंड लेवल है और हम नीचे को खुदाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, कोलैप्सिंग ऑफ एग्जामिनेशन, ये वाली जो दीवार है अंदर की तरफ ढह जाती है। कोलैप्सिंग का मतलब होता है ढह जाना, कोलैप्स मतलब ढह जाना, तो ये वाली जो दीवार रहती है ये ढह जाती है ज्यादा एग्जामिनेशन, ज्यादा खुदाई या गहराई होने के बाद, ठीक है। तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन करेंगे वो आगे पढ़ेंगे हम। उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिस गैस, जब आप ज्यादा गहराई में जाते हो तो वहां पे टॉक्सिस गैसों का होना एक आम बात हो गई है। अब डिपेंड करता है वो एरिया कहाँ का है, कौन सा है, उसके हिसाब से, क्योंकि जो क्रूड ऑयल होता है, जो डीजल पेट्रोल पाया जाता है, वो जमीन से ही निकालते हैं, जीवाश्म के, वो सबको पता ही है, जीवाश्म के गले सड़ने से पेड़ पौधों के नीचे जमीन में टॉक्सिस गैस बनती है, उसको निकाल कर प्यूरिफाई करते हैं, तो नीचे प्रेजेंस रहता है ज्यादातर किन गैसों का, टॉक्सिस। टॉक्सिस में कौन कौन सी, H2S और CO, मिथेन बहुत कम मात्रा में मिलती है, H2S और CO, H2S बोले तो हाइड्रोजन सल्फाइड और CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इनका प्रेजेंस वहां पे रहता है। और सबसे पहले आपको एक चीज और भी देखना पड़ेगा, सोइल टेस्ट, सोइल टेस्ट, सोइल टेस्ट करना पड़ेगा वहां पे कि वो किस तरह की मिट्टी है। हो सकता है टेस्ट एक ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक देसी जुगाड़ बता देता हूं मैं आपको। आप मिट्टी को उठाओ, आप रेत को उठाएंगे ना तो वहां से निकलता जाएगा, आप कितना भी दबा लो वो निकलता रहेगा, मतलब वो ज्यादा कोलैप्स होगा। उसके बाद कुछ ऐसी मिट्टी होगी जो हार्ड रहेगी, वो कम खींच लेगी, कुछ ऐसा होगा हाथ में आपने लिया
ऐसे दबाया तो एक डला बन गया, लड्डू टाइप बन गया, तो मतलब वो ज्यादा हार्ड है, उसमें ज्यादा कोलेप्स होने के चांसेस नहीं है। जितना पतला बालू टाइप रहेगा वो उतना ही ज्यादा कोलेप्स होने के चांसेस रहते हैं, उतनी सेफ्टी उसमें हमें लेनी होती है, वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। और अगर पहाड़ों में कोई कटाई की जा रही है तो वहां पे तो इतना ज्यादा रिस्क रहता नहीं है कोलैप्स होने का, क्योंकि पहाड़ तो ऑलरेडी एक स्टॉपर बन जाता है हमारा, ठीक है। उसके बाद आता है फॉल्स ऑफ ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे काम कर रहे हो, एग्जीबिशन नीचे हो रहा है, ऊपर से किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी सामान ऑब्जेक्ट होता है, आदमी भी गिर सकता है, कोई सामान भी गिर सकता है, टूल्स वगैरह, कोई इक्विपमेंट या गाड़ी भी गिर सकती है। अगर यहाँ पे काम कर रहा है, कई बार आपने फिल्मों में या किसी वीडियो में देखा होगा, तो यहाँ पे खुदाई कर लियो और नीचे जा गिरी, क्योंकि ये वाला एरिया कोलैप्स हो जाता है और यहाँ पे खड़ा होकर उसको खुदाई करनी होती है। उसके बाद था फॉलिंग ऑफ रिमूवल सोइल। सबसे ज्यादा ये भी देखने को मिला, रिमूवल ऑफ सोइल। देखो यहाँ पे क्या रहता है, हमने मिट्टी को खोदा और इसके ऊपर ही डाल दिया, यहाँ डाल दिया, अब यहाँ डालते रहेंगे तो उसका दबाव इसके ऊपर पड़ेगा यहाँ पे, और इस पे दबाव पड़ने से क्या होगा, ये अंदर कोलैप्स हो जाएगी, गिर जाएगी ये वाली दीवार जो हम खुदाई कर रहे हैं, और हम यहाँ पे डालते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पे भी एक ढेर लग जाएगा, और जो भी मिट्टी यहाँ डालेगा उल्टा ही नीचे जाके गिरेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है फॉलिंग ऑफ रिमूव्ड सोइल, मतलब जो आपने नीचे खोद करके मिट्टी ऊपर डाली है उसके गिरने का भी उसमें हजार शब्द है। उसके बाद आता है वाटर एक्युमुलेशन इन द एक्सकेवेशन। इसके अंदर जब खुदाई करते हो ना, तो हो सकता है वहां पे कहीं पे क्या होता है ना, जमीन के अंदर वाटर लेवल कहीं पे ज्यादा गहराई में होता है तो कहीं ज्यादा ऊपर होता है, कहीं पे जो आसपास में नहर या नदी गई होगी तो वाटर का लेवल जमीन के ऊपर ही मिल जाता है, तो नीचे पानी आने का भी चांसेस रहता है, वो भी एक हजार से। उसके बाद आता है नियर बाय स्ट्रक्चर एंड देयर कंडीशन। नियर बाय स्ट्रक्चर एंड देयर कंडीशन मतलब मान लिया हमने, मैं इसमें एक बार मिटा देता हूं, मान लिया ये जमीन है और यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनी है और हमें यहाँ पे खुदाई करनी है, मान लिया ये जमीन के नीचे खुदाई करनी है, ठीक है। एक मोहाली में पिछले साल फरवरी के टाइम पे एक ऐसी बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी मेरे सामने, यहाँ पे दूसरी बिल्डिंग बनाने के लिए अंडरग्राउंड खुदाई चल रही थी और उसके बगल में एक बड़ी बिल्डिंग थी लगभग 3 से 4 माले की, और यहाँ पे खोदते खोदते इतनी गहराई में चले गए कि इसका स्ट्रक्चर ढीला पड़ गया, कमजोर पड़ गया, और वो इसके यू की उसके अंदर कोलैप्स हो गई, उसी के अंदर चली गई। वो तो शुगर था कि वहां पे ऑफिस एरिया का जो टाइम था वो आउट हो चुका था, वहां पे इतने बंदे नहीं थे, डेथ का रेशो मेरे को पता भी नहीं है, हो सकता है इसकी डेथ भी हुई हो, ठीक है। तो जब हम खुदाई करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसके आसपास में ऐसा तो नहीं कि किसी बिल्डिंग के पास में खुदाई करना शुरू कर दिया और खोदते खोदते इतने नीचे से देखे कि वो पास का कोई भी स्ट्रक्चर आपके ऊपर गिर गया। हो सकता है यहाँ पे बिल्डिंग ना है, कोई बिजली का खंभा खड़ा है, गांव में खंभे भी रहते हैं, अंदर भी रहते हैं, या किसी प्रकार का कोई दूसरा पिलर दे दिया है और वो यहाँ से उसका सपोर्ट हट गया और वो भी अंदर कोलैप्स हो सकता है। इस तरह का कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कोलैप्स हो सकता है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट। इम्प्रॉपर की बात कर रहा मतलब प्रॉपर एग्जिट और एंट्री ना होना, पता लगे ऊपर से छलांग मार रहे हैं एग्जीबिशन में, कई बार बोल देते कुछ नहीं होता मार छलांग ऐसे, वो अंदर ही छलांग मार दे तो वो भी एक हजार है, आपके पैर ठुक सकते हैं, आपका पैर टूट सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए, लैडर लगाओ या फिर सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर बनाओ, उसका प्रॉपर एंट्री और एग्जिट होना चाहिए। उसके बाद आता है फ्लोडिंग। फ्लोडिंग का मतलब होता है बाढ़ आ जाना, मतलब बाढ़ आने का मतलब ये नहीं कि कोई नदी तालाब या समुद्र का पानी की बाढ़ उधर आ गई, वो वाली बाढ़ नहीं। हो सकता है आपने एग्जामिनेशन किया और उसके बाद एकदम से बादल छा गए और इतना सारा पानी उसके अंदर आ गया
वो जो पानी जो खड़ा हो जाता है उसको भी बाढ़ का नाम दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जब काम कर रहा है बंदा तो उस पोजीशन में पानी गया तो आदमी डेथ कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि उसके अंदर बारिश के टाइम जाना होता है कि नहीं। तो भाई साहब कोई भी वर्केट हाइट और एग्जीबिशन बारिश और तूफान के टाइम पे नहीं किया जाता, ये हमेशा याद रखना। और जब ये चांसेस होते हैं कि वहां पे कोई अर्थक्वेक या जिसको भूकंप बोलते हैं उसके झटके महसूस हो रहे हैं, तो पूरा का पूरा एरिया खाली कर दो, दूर तक, दूर दूर तक जितना पॉसिबल हो ज्यादा दूर जाके खड़े हो जाओ। ठीक है, उसके बाद आता है फॉलिंग ऑफ व्हीकल, यानी व्हीकल का गिर जाना, ढह जाना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर गिरना। तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे हमने एग्जामिनेशन किया हुआ है और यहाँ पे व्हीकल का मूवमेंट चल रहा है। कई बार आपने किसी रोड पे भी देखा होगा जाते हुए या किसी वीडियो वगैरह में, तो यहाँ पे हम खुदाई कर रहे हैं और साथ में व्हीकल जा रहे हैं। जब व्हीकल कहीं से गुजरता है ना तो वो जमीन में वाइब्रेशन पैदा करता है। वाइब्रेशन पैदा करने से क्या होगा, उसकी वाइब्रेशन इस खुदाई की दीवार पे पड़ेगी और वो दीवार अंदर ढह जाएगी, साथ में वो व्हीकल भी अंदर जाके रहेगा। अब अंदर बंदे काम कर रहे हैं तो एक्सीडेंट तो होना जाहिर सी बात है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता ओवरहेड लाइन। अब जहां पे आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो ये देखना है कि आसपास में कोई ओवरहेड लाइन तो नहीं है, एचटी लाइन तो नहीं, हाई वोल्टेज की लाइन तो नहीं है। पता लगा आप खुदाई करने जा रहे हैं और कई बार वो जेसीबी हुआ ऐसे ऊपर उठा देते हैं ना, वो ऊपर जाके टकरा गया और पूरा का पूरा सिस्टम हिल गया, करंट आ गया पूरी बिल्डिंग गाड़ी में, और हो सकता है उससे अटैच जो भी होगा उसके अंदर भी आ सकता है। ठीक है, तो ओवर हेड लाइन का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कन्फाइंड स्पेस। अब बात करोगे सर यहाँ पे कन्फाइंड स्पेस की क्या बात रहेगी, हम तो एग्जीबिशन की बात कर रहे हैं। तो देखें एक एग्जाम्पल और देता हूं, हम होटवर्क करते हैं जमीन पे करते हैं नो इश्यू, अगर जमीन को सॉरी होटवर्क को हम ऊंचाई पे करेंगे तो क्या वहां पे वर्क एट हाइट कंसीडर नहीं होगा, तो क्या हम वहां पे हाइट वाले प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, लेंगे ना। तो सेम यहां पे है, अगर इसकी डेप्थ ज्यादा नीचे चली गई तो वहां पे कन्फाइंड स्पेस में उसको कंसीडर किया जाता है, एग्जामिनेशन प्लस कन्फाइंड स्पेस दोनों में उसको कंसीडर किया जाता है और दोनों ही प्रिकॉशन उसके अंदर लेने होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, सबसे पहले आपको ये चीज और ध्यान रखनी है, जो भी एरिया मान लिया ये यहां पे आप खुदाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसको चारों तरफ से बैरिकेड कर देना है, चारों तरफ से बैरिकेड कर देना है। अब बैरिकेड करने से इसका भी कोई स्टैंडर्ड होता होगा ना, तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, 1.2 मीटर गहरा तो वो एग्जामिनेशन में आएगा। तो वही करना, यहां से 1.2 मीटर इधर चले जाओ, उसके बाद चारों तरफ उसको बैरिकेड करना स्टार्ट करो। ये मैंने आपको मिनिमम बताया, मैक्सिमम जितना मर्जी कर लो बैरिकेटिंग, दूर से बैरिकेटिंग, वहां पे आदमियों का आना जाना भी रहेगा और वहां पे आपको एक साइन बोर्ड लगाना है कि एग्जामिनेशन वर्किंग प्रोग्रेस। ठीक है, ऊपर लिख देना डेंजर्स और नीचे एग्जामिनेशन वर्किंग प्रोग्रेस, तो सामने वाला समझ जाएगा कि यहाँ पे खतरा है, और हो सके तो एक रिफ्लेक्टर में होना चाहिए ताकि उसपे किसी भी की दूर से रात में भी लाइट मारे तो वहां पे दिखे कि हाँ एग्जामिनेशन का साइन बोर्ड लगा हुआ है, वो चमकीला होना चाहिए, तो रात में चमकता है, जैसे आपने रोड सेफ्टी के दौरान देखे होंगे वो सारे रिफ्लेक्टर में ही होते हैं, वो चमकते हैं दूर से, तो वो वाले साइन बोर्ड आपको यहाँ पे लगाने हैं और एरिया बैरिकेटिंग कर देता है, कर देना है। रूल क्या बोलता है कि आपको हार्ड बैरिकेटिंग करनी है, हार्ड बैरिकेटिंग मतलब चादर चारों तरफ से लगानी है, पहले पाइप लगाओगे चारों तरफ से, उसके बाद में उसको चादर लगा देनी है चारों, तो आगे अंदर पता ही ना लगे दूर से कि अंदर हो क्या रहा है, उसको हार्ड बैरिकेटिंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन टेम्परेरी बेस पे अगर वो नहीं है या को हमें कोई छोटी खुदाई करनी है तो चारों तरफ उसके क्वेश्चन टेप लगा देते हैं, बैरिकेटिंग टेप लगा देते हैं और वहां पे एग्जामिनेशन वर्क इन प्रोग्रेस का एक साइन बोर्ड लगा देते हैं। ठीक है, तो ये तो
केस के हजार्स। अब इसमें प्रिकॉशंस कौन कौन से लेने होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे ज्यादा इसमें कोलैप्सिंग का, इसके बारे में बात करें, कोलैप्स होने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं और बाकी इन सभी का मैंने इनके साथ में सेफ्टी भी बता दी है। और वो भी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कोलैप्सिंग एग्जर्शन, तो इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। इसमें हमने हजार्स के बारे में जाना है, अब इसका पार्ट टू बनाएंगे जिसमें प्रीकॉशंस के बारे में पूरा डिटेल में बताया जाएगा। अगर मैं इसी में प्रीकॉशंस बताना चाहूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देखना, उसके लिए एग्जर्वेशन सेफ्टी पार्ट टू।